जलालुद्दीन रूमी एक हिकायत में लिखते हैं कि एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि उसे चौपायों और परिंदों की बोली सिखा दें। आप अलैहिस्सलाम ने उसे मना किया कि ये बात ख़तरनाक है, वो इससे बाज रहे। उसने इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कुत्ते और मुर्गे की बोली सिखा दी। सुबह के वक्त उसकी खादमा ने दस्तरखान झाड़ा तो बासी रोटी का टुकड़ा गिरा। मुर्ग ने उस टुकड़े को उठा लिया। कुत्ता मुर्ग के पास आया और उसने कहा कि मुर्ग, तू तो दाना भी चुग सकता है और कुत्ता दाना खाने से आजिज़ है, लिहाजा मुर्ग वो रोटी का टुकड़ा उसे दे दे। मुर्ग ने कुत्ते से कहा कि चुप हो जा, गम न कर, आका का घोड़ा कल मर जाएगा, तुझे अल्लाह पेट भर कर खाना खिलाएगा। मालिक उनकी बोली समझ रहा था, उसने घोड़ा फरोख्त कर दिया और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। दूसरे दिन भी मुर्ग रोटी ले उड़ा और घोड़ा ना मरा तो कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत की कि वो झूठा है और कुत्ते को भूख से दोचार कर दिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली दी कि घोड़ा मरा तो है लेकिन दूसरे के घर में, फिक्र न कर, कल मालिक का खच्चर मर जाएगा और उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकेंगे। मालिक जो उनकी बोली समझ रहा था, उसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया और दूसरे नुकसान से भी खुद को बचा लिया। दूसरे दिन खच्चर के मरने का वाकया ना हुआ तो कुत्ते ने मुर्ग से सख्त शिकायत की कि तुझे आइंदा की कोई खबर नहीं होती, डींगे मारता रहता है, तू झूठा है। मुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं, खच्चर दूसरी जगह जाकर मर गया है, कल इसका गुलाम बीमार पड़ेगा और जब वो मरेगा तो ये कुत्तों और मांगने वालों को रोटियाँ खिलाएगा। मालिक ने यह सुना और गुलाम फरोख्त कर दिया और दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसने कुत्ते मुर्गे की बोली सीख कर बड़ी तनाई और हिकमत से काम लिया है और किस तरह तीन नुकसानात अपनी दनाई से टाल दिए। तीसरे दिन उस महरूम कुत्ते ने मुर्ग से शदीद शिकायत की, उसे झूठा, फरेबी और दगाबाज कहा। मुर्ग ने कहा, मैं और मेरी कौम झूठ से सख्त दूर हैं, हम सुबह अजान देते हैं तो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर बेवक्त अजान देने की आदत डाल लें तो हम ज़िबा कर दिए जाते हैं, वो गुलाम भी फौत हो चुका है, हमारे मालिक ने अपना माली नुकसान तो बचा लिया है मगर अपनी जान पर बोझ लाद लिया है। मुर्ग ने अगले दिन मालिक के मरने की खबर दी और बताया कि इस वाक़े पर उसके वर्सा गाय ज़िबा करेंगे और खाना तकसीम करेंगे। ये सुनकर वो शख्स बहुत परेशान हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भागा भागा आया और सारा वाक़या सुनाया और बताया कि मैं डरा हुआ हूँ कि कुत्ते और मुर्ग की पहली तीनों बातें सच्ची थीं। अब जबकि उन्होंने इसके मरने की खबर दे दी है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही उसे पनाह दे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा, फितरत का उसूल है कि जब उसकी कमान से तीर निकल जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम भी उसे वापस नहीं कर सकते। हाँ, मैं तेरे लिए सलामती ईमान की दुआ कर सकता हूँ। तेरी तरफ कज़ा ने तीन दफ़ा नुकसान के लिए हाथ बढ़ाया जो तूने अपनी तदबीर से लौटा दिया, अगर तू ऐसा ना करता तो कज़ा तेरे माली नुकसान से पलट जाती और ये बड़ी मुसीबत इस कदर जल्दी तेरे सामने ना आ खड़ी होती। अब इससे राह फरार नहीं है।